बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एग्ज़ाम सीज़न आ गया बच्चों, सर तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करें? सर बड़ा ज़्यादा सिलेबस है, टाइम बहुत कम है, कोई गेस्ट पेपर बता दें, कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता दें, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता दें, या इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता दें जिनको हम तैयार कर सकें। तो बेटे ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट, बड़ा ही अहम गेस्ट पेपर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। इंशाल्लाह अगर आप इसके मुताबिक इन क्वेश्चंस को अगर तैयार कर लेंगे तो आपका फिजिक्स का पार्ट वन, फिजिक्स का पेपर बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल करेंगे। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर आइए अपने टारगेट की तरफ चलते हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर वन जो है सबसे पहले आपके पास आता है एम सी क्यूज पोर्शन पर। 17 एम सी क्यूज होते हैं बेटे। अगर टाइम कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जस्ट आप कोई पिछले 10 सालों के पास पेपर्स लें और उनके एम सी क्यूज जो है वो तैयार करें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बाकी एम सी क्यूज को किस तरह से तैयार करना है, उनको सोल्व कैसे करना है, उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन एम सी क्यूज के लिए अगर टाइम कम है तो आप जस्ट पास पेपर्स को तैयार करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अब बेटे शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल 3 पोर्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये बेटे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 6 पर मुहित होता है। चैप्टर नंबर 1 में से बेटे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 में से 3, 3 में से भी 3 और 6 में से 1 आता है। तो इनमें देख लें जो इम्पोर्टेंट है बेटे, मैंने एक्सरसाइज वाले मेंशन किए हैं। चैप्टर 1 में 1.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9 ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे इम्पोर्टेंट हैं। जब आप चैप्टर 1 के शॉर्ट करेंगे तो इन क्वेश्चन को आप तसल्ली से तैयार करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह चैप्टर 2 में 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 21, 17 भी है। तो आप इन एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस करें, अभी टाइम चूंकि कम है तो आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो आपके लिए बेहतरी होगी। इधर चैप्टर नंबर 3 में बेटे आप 3.2 करें, 3, 3.7, 3.8, 3.11, 3.9 और 3.13 वाला शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। और 6 में से चूंकि 1 आना है, वैसे भी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में होते कितने हैं जी, 12 दिए होते हैं, आपने 8 करने होते हैं, वैसे तो आपका पोर्शन यहाँ तक हो जाता है, लेकिन फिर भी आप एक्सरसाइज के ये चंद क्वेश्चन कर लें, 6.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 और 9 इनको भी बेटे आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये पोर्शन जो है वो अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे जो है आपके पास, उसमें चैप्टर नंबर जो है वो 4, 5, 7 और 8 में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चारों में से 3-3 आते हैं, हर चैप्टर में से 3-3 आते हैं, टोटल 12 बनते हैं, आपने 12 में से 8 करने होते हैं। तो बेटे चैप्टर 4 के जो एक्सरसाइज के हैं 4.2, 3, 4, 5, 7, 9 और 10 जो है ये शॉर्ट आप लाजमी तैयार करें, इंशाल्लाह ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो चुके हैं। जो चैप्टर नंबर 5 है इस तरह, इसमें 5.2 शॉर्ट क्वेश्चन, 5.3, 5.5, 5.6, 7, 5.9, 5.11 और 5.13 बेटे इन शॉर्ट क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे। चैप्टर नंबर 7 में 7.1 है, 7.2, 7.3 शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह 4, 5, 6, 7 ये पहले 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 11, 12 और 13 आप इन चैप्टर इन शॉर्ट को तैयार करेंगे। वैसे तो अगर आप ये तीनों कर लेते हैं तो 9 बनते हैं, तो इंशाल्लाह अगर 9 इनमें से आ जाते तो आप 8 इजीली करते, लेकिन 8 के भी आप करेंगे, 8 के जो इम्पोर्टेंट है 8.1, 3, 5, 7, 8.9 और 10 और 11। तो बेटे अगर आप इन क्वेश्चन को करते हैं तो उम्मीद है कि आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन जो है वो कवर हो जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 3 चैप्टर इंक्लूड हैं, चैप्टर नंबर 9, 10 और 11। इनमें बेटे एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है 9 के, अच्छा इसमें बेटे ना पोर्शन में 9 आते हैं और आपने 6 करने होते हैं, ठीक है। अब बेटे ना 9 के 9.1, 9.3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 9.11 इन क्वेश्चन को तैयार करें। 10 वाले भी मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, इसमें से 2 आते हैं जो चैप्टर 10 है ना, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 10.1, 3, 6, 7, 10 और 11 इनको भी आप तैयार करेंगे।
फिर चैप्टर नंबर 11 में बेटे 11.1 11.2 11.5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसमें बेटे ना आपके पास चार आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि चैप्टर नंबर 11 के तमाम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें ताकि आपका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन अच्छा हो सके। ये तो बेटे था शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में गैस। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग की पेयरिंग बेटे आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पेयरिंग स्कीम भी अपलोड की हुई है। अब लॉन्ग हर चैप्टर के भी इम्पोर्टेंट अपलोड किए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको चंद बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है चैप्टर 2 और 4 में थे। अब चैप्टर 2 में ना 3 से 4 मेन लॉन्ग क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, टार्क और वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आप इनको तैयार करेंगे, इसकी एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है कुछ, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.6 ये एग्जाम्पल भी आप लोग रेडी करेंगे। फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14 ये आप चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल भी तैयार करेंगे। फिर बेटे 2 का 4 के साथ है, चैप्टर 4 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये बेटे 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे अच्छे से। और इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेटे बड़े इजी हैं, कोशिश करें कि सारे ही कर लें, लेकिन इनमें से भी अगर आप चाहते हैं कि आपको गैस मजीद इंपॉर्टेंट बताए जाए तो 4.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9 ये बताए हुए हैं, लेकिन इसके मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि तमाम न्यूमेरिकल आप करें। फिर चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन 6 है ना, इसका पेयर है 3 और 5 के साथ। 3 के बेटे मेन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन 3 है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इलास्टिक कोलाइजन है, इन वन डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन है। और इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बच्चों 3.1, 3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 और 3.14 ये न्यूमेरिकल आप लाजमी तैयार करेंगे चैप्टर 3 में से। फिर बेटे जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन सेंट्रीपिटल फोर्स वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, डिस्क और हुप की वो बड़ा अहम है, रियल एंड अपेरेंट वेट वाला बड़ा अहम है, और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो भी बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप तैयार करेंगे। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटे 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7, 5.9 जो है वो ये ज्यादा अहम है, ये गैस में आपको बता रहा हूँ मैं। फिर बेटे ना क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है 6 और 11 की पेयरिंग। 6 में बेटे ना 3 से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन मेन है आपके पास, एक मैंने यहाँ पे लिख दिया है बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और बेटे क्वेश्चन नंबर 11 जो है चैप्टर 11 उसमें प्रेशर ऑफ गैस है, और दूसरा आपके पास लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, CP - CV = R, और आपके पास एक है कार्नट इंजन, कार्नट साइकिल, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बेटे ये स्पेस कम होने की वजह से मैंने आपको 6 चैप्टर जो है ना इनका मेन टारगेट आपको कैसे बता दिया है, ये आप करेंगे। ये 6 चैप्टर अगर आप तैयार तो इस तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो बेटे मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, सारे बच्चों को अच्छे अच्छे नंबरों से पास करे। दुआओं में याद रखिएगा आपका टीचर, आपका इंस्ट्रक्टर आदिल शहजाद। वस्सलाम।